नीतीश कुमार की कृषि नीति अब उनके गले की फांस बनती जा रही है। अब तक तो आरजेडी के सुधाकर सिंह ही नीतीश कुमार को मंडी और किसानों के मुद्दे पर नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। राकेश टिकैत ने बाकायदा पत्र लिखकर नीतीश कुमार को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर बिहार में जल्दी मंडी व्यवस्था शुरू नहीं की गई, तो वे बिहार में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार मंडी व्यवस्था शुरू नहीं करते हैं तो राकेश टिकैत बिहार जा धमकेंगे, और इस काम में सुधाकर सिंह तो उनका साथ खुलकर देंगे ही, साथ ही आरजेडी भी पर्दे के पीछे से उनका साथ देगी। और रही बात कांग्रेस और कम्युनिस्टों की, तो वे इस मामले में कोई दखल देना पसंद नहीं करेंगे। मतलब ये कि नीतीश कुमार चौतरफा फंसते जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार का किसान देश में सबसे बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। टिकैत ने नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने मंडी व्यवस्था दोबारा से शुरू नहीं की तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके पहले आरजेडी नेता और तत्कालीन मंत्री सुधाकर सिंह इस मांग को लगातार उठाते आए थे। उन्होंने इसके लिए अपने विभाग में पीत पत्र भी लिखा था। इसके पहले साल 2006 में एनडीए गठबंधन में सत्ता में रहते हुए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एपीएमसी अधिनियम और मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने अपने पत्र में लिखा कि महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार में पिछले 15 से 16 सालों से मंडियां बंद हैं, जिससे कि वहां के किसानों को न तो कोई फसल बेचने का प्लेटफॉर्म मिल पाता है और न ही फसल के भाव प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। बिहार का किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न दलालों के माध्यम से लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को मजबूर है। किसान की आर्थिक स्थिति बिहार में बदहाल हो चली है। न तो उसके पास फसल बोने के लिए बीज का पैसा बचा है और न ही परिवार का पालन पोषण करने के लिए उपयुक्त धनराशि ही। मुख्यमंत्री जी बिहार में मंडियां न होने के कारण दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने पर विवश हो गया है। जो छात्र किसान परिवारों से आते हैं, धन न होने की वजह से उनके शिक्षा पर इसका बहुत असर पड़ा है। अतः हमारे आग्रह पर बिहार में दोबारा मंडियां शुरू किए जाने का काम किया जाए, जिससे किसान को फसल बेचने का प्लेटफॉर्म और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा सके। अगर ये काम नहीं होता है तो बिहार में हम एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भूमि और संपत्ति कानूनों को किनारे लगाकर असम के गोलपारा जिले में बने मियां संग्रहालय पर ताला लटका दिया गया। जिला प्रशासन ने इस काम को अंजाम दिया। मियां संग्रहालय एक घर के अंदर बनाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMYG फंड का उपयोग करके बनाया गया था। संग्रहालय का उद्घाटन 23 अक्टूबर को दबकर भिता गांव में किया गया था। गांव के मुहर अली पुत्र सोमेश अली के घर को सील कर दिया गया। ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था। ये वही घर था जहां 23 अक्टूबर को एक निजी मियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने संग्रहालय की फंडिंग पर सवाल उठाया था। संग्रहालय के बारे में हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह का संग्रहालय है। संग्रहालय में उन्होंने जो हल रखा है उसका उपयोग असमिया लोग करते हैं। यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी असमिया समुदाय से हैं। इसमें नया क्या है? लुंगी को छोड़कर वहाँ रखी गई हर चीज असमिया लोगों की है। उन्हें ये साबित करना होगा कि नंगोल हल का उपयोग केवल मियां लोग करते हैं, अन्य नहीं, अन्यथा मामला दर्ज किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि संग्रहालय में केवल पारंपरिक वस्तुएं रखी गई हैं, जो पूरे असमिया समाज की संस्कृति को ही दर्शाती हैं, न कि सिर्फ मियां समुदाय की। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य के बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। जब मैंने मियां शायरी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे सांप्रदायिक कहा। अब मियां कविता, मियां स्कूल, मियां संग्रहालय यहां है। सरकार कार्यालय खुलने के बाद इस मामले पर कार्रवाई करेगी। इससे पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने संग्रहालय खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने जिले में प्रवासी मुसलमानों की संस्कृति को प्रदर्शित करने का दावा किया था। डिब्रूगढ़ के भाजपा विधायक प्रशांत फुकन संग्रहालय के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे पहले थे। उन्होंने कहा था कि मैं राज्य सरकार से इस संग्रहालय को बंद करवाने का अनुरोध करता हूं। भाजपा विधायक शिलादित्य देव भी संग्रहालय स्थापित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मियां शब्द का इस्तेमाल उन मुस्लिमों के लिए किया जाता है जो बंगाल से माइग्रेट कर दिए गए थे और 1890 के दशक के अंत में असम में बस गए। अंग्रेजों ने उन्हें कथित तौर पर व्यावसायिक खेती के लिए खरीद कर दी थी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के लिए बची खुची उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं। राज्य में 12 नवंबर को चुनाव है और उससे पहले नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कांग्रेस से किनारा करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। मेजर विजय सिंह मनकोटिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से ऐन पहले मनकोटिया के कांग्रेस से किनारा करने को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में किस कदर हैरान और परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने आखिरी उम्मीदवार की लिस्ट नामांकन से महज 2-2.5 घंटे पहले जारी की, लेकिन रिटायर्ड मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। जेपी नड्डा के घर विजयपुर में हर्ष महाजन की अगुवाई में मनकोटिया बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक राकेश कालिया भी प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और विधायक राजेश ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि एक तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस जहां हाफती हुई दिख रही है और उसके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने सभी मोहरे एकदम सही जगह सेट करने में लगी हुई है, भले ही इसके लिए उसे अपने पुराने नेताओं के टिकट तक काटने पड़ रहे हों। इसी कड़ी में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए हिमाचल की कुल्लू सीट से नामांकन से चंद घंटे पहले महेश्वर सिंह का टिकट काट दिया। उनकी जगह अब नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी हाईकमान ने पहले से ही इस बात की हिदायत दी हुई है कि अगर महेश्वर सिंह कुल्लू विधानसभा सीट से लड़ेंगे तो उनके बेटे हितेश्वर सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसके बाद उनके बेटे हितेश्वर सिंह ने बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान ने उनके पिता महेश्वर सिंह का टिकट काट दिया और उनकी जगह कुल्लू विधानसभा सीट से नरोत्तम ठाकुर को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। बता दें कि महेश्वर सिंह ठाकुर इसके पहले हिमाचल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी ने जब उनका टिकट काटा तो कुल्लू विधानसभा में हलचल मच गई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कुल्लू विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जगह बीजेपी ने नए उम्मीदवार नरोत्तम ठाकुर, जिन्होंने अभी हाल ही में शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में लड़ने वाली दोनों ही मुख्य पार्टियों में जबरदस्त हलचल मची हुई। अरविंद केजरीवाल अपनी सियासत में बुरी तरह उलझकर रह गए हैं। वोट के लिए वे मौके के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि कैसे भी कोई विवाद खड़ा हो और वो उसका सियासी फायदा पा सकें। ऐसी ही कोशिश में उनके मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो केजरीवाल ने उन्हें पद से हटा तो दिया, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छापने की मांग कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सोची समझी चाल यह है कि उनकी बातों से लोग खुश हो जाएं और उन्हें वोट दें। गुजरात चुनाव में तमाम कोशिशें करने के बावजूद केजरीवाल की दुकान चलती नहीं दिखी तो यह नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन अब इस खेल में वे खुद फंस गए हैं। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रिय अरविंद केजरीवाल, यदि लक्ष्मी और गणेश समृद्धि ला सकते हैं तो हमें और अधिक समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए और अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल करना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को भाजपा की टीम भी बताया। दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान जाएं तो वे खुद को पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस की भी टीम है, उनकी कोई समझ नहीं है या उनकी वोट की राजनीति है। यदि वो पाकिस्तान जाएं तो वो कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, इसीलिए मुझे वोट दें। अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से नोटों पर गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो को छापने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में हर कोई अमीर हो और कभी कभी कोई कितनी भी कोशिश कर ले कुछ कमी रह जाती है। उन्होंने कहा कि प्रयास तभी फलदायी होते हैं जब हमारे पास देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल से एक दिन पहले दिवाली थी, हम सभी ने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हमने स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम जानते हैं कि कैसे व्यवसायी अपने कमरों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के चित्र रखते हैं और अपना काम शुरू करने से पहले उनसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर शामिल करने की अपील करना चाहता हूँ। गांधी जी की फोटो जैसी है वैसी रह सकती है। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन हमें अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद ट्विटर पर मुस्लिम यूजर उन्हें ट्रोल करने लगे।
किसी ने उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा तो किसी ने उन्हें धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाई। वहीं एक यूजर ने कहा कि अगर यही बात असुद्दीन ओवैसी ने नोट पर ला इल्ला इलाह लिल्लाह दिखने या अजमेर दरगाह की तस्वीर छापने के लिए कहा होता तो क्या होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, इसीलिए सत्ता में रहते हुए द्वेष की भावना से काम करने से राजनेताओं को बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे सरकार ने सत्ता में रहते हुए कई मामलों में गलत तरीके से काम किया और अधिकारियों से लेकर नेताओं तक से बदले की भावना निकाली। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सरकार चुन चुनकर उद्धव ठाकरे को राजनीति का सबक सिखा रही है। जिस आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग केस में उद्धव ठाकरे ने एफआईआर तक दर्ज करा दी थी, उसी आईपीएस अधिकारी को शिंदे सरकार बड़ा पद देने जा रही है। रश्मि शुक्ला को या तो राज्य का डीजीपी या फिर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। भाजपा के एक मंत्री का दावा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में इसका ऐलान किया जा सकता है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है जो फिलहाल सीआरपीएफ की एडीजी के तौर पर हैदराबाद में है। डीजी हेमंत नगराले के बाद वो महाराष्ट्र की सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। हेमंत नगराले 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के शासनकाल में महाराष्ट्र की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग केस में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब उन्हीं को एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बेहद अहम पद देने जा रही है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ से भी रश्मि शुक्ला सीनियर है जो फिलहाल महाराष्ट्र के डीजीपी हैं। रश्मि शुक्ला का जून 2024 में रिटायरमेंट होना है। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी, इसके बाद केंद्र से उन्हें डीजी के तौर पर भेजने की परमिशन मांगी जाएगी। इस तरह उन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी या फिर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें शुक्ला के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी गई थी। बता दें कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की खुफिया प्रमुख रही है और उनके ऊपर एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से एवं शिवसेना सांसद संजय राउत के फोन टैप करने के आरोप लगते रहे हैं। कोलाबा पुलिस ने इसी साल मार्च में रश्मि शुक्ला के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने खुफिया प्रमुख होने के नाते 2019 में कई नेताओं के फोन टैप कराए थे। तब कहा गया था कि एसआईडी यानी राज्य खुफिया विभाग ने इन नेताओं को असामाजिक गतिविधियों में शामिल बताते हुए फोन टैपिंग की मंजूरी दी थी। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और एनसीपी एवं शिवसेना को तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला बोला था। बहरहाल उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पर झटके दे रही शिंदे सरकार ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को राजनीति का बड़ा सबक दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन सरकार के बीच जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के 9 वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगने से शुरू हुआ विवाद अब केरल के वित्त मंत्री तक जा पहुंचा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री विजयन से वित्त मंत्री के एन बालगोपाल को पद से हटाने के लिए कहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो उनके मंत्रिमंडल में बने रहने से खुश नहीं है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि केएन बालगोपाल ने शपथ का उल्लंघन किया है, वो जानबूझकर शपथ का उल्लंघन करके भारत की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। राज्यपाल के आदेश के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री बालगोपाल के खिलाफ संविधान के अनुसार उचित कार्रवाई करने के राज्यपाल के निर्देश को खारिज कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि जिस वित्त मंत्री केएन बालगोपाल की आय का मुख्य स्रोत शराब और लॉटरी है, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी के राज्यपाल केरल की शिक्षा प्रणाली को समझ सकते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो मेरे बारे में तो बोल रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति के खिलाफ एक फैसला दिया था। इसको लेकर अगर आप कहते हैं कि जज महाराष्ट्र और असम से होने के कारण केरल के एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझते हैं तो आप खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। मतलब साफ है कि आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कम्युनिस्ट सरकार के बीच विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। इससे पहले गवर्नर ने राज्य के 9 वाइस चांसलरों से इस्तीफा मांगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कभी दिल्ली की यमुना नदी को लंदन की टेम्स नदी जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल आज यमुना नदी की हालत पर सवाल होते ही मुंह छिपा लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी की हालत केजरीवाल सरकार में बद से बदतर हो गई है। नदी के ऊपर जहरीला झाग ही झाग साफ दिखता है और इसी नदी में घाट बनाकर लोग छठ पूजा करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस पर केजरीवाल को ना कोई अफसोस है और ना ही कोई दिक्कत, उल्टे वो उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पर इस बार उनकी घिनौनी राजनीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिदायत भी दी है कि वे लोगों में भ्रम ना फैलाएं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जारी संशय को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के लिए कुछ घाट निर्धारित किए जाएंगे, वहीं पर लोग पूजा करेंगे। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि वे फालतू में लोगों में भ्रम ना फैलाएं। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि यमुना किनारे सभी घाटों पर छठ पूजा की जा सकेगी। उन्होंने इसके लिए 1100 से ज़्यादा स्थानों पर पूजा करने की बात कही थी, जबकि यमुना की हालत देखते हुए या कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। उल्टे लोगों के स्वास्थ्य पर इससे बुरा असर पड़ सकता है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि सरकार इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उपराज्यपाल ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री के बयान लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके लिए कुछ घाट निर्धारित किए जाएंगे, वहीं पूजा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि घाटों पर साफ सफाई से लेकर बिजली पानी की व्यवस्था समय से दुरुस्त कर दी जाए, साथ ही घाटों तक जाने वाले रास्तों को भी ठीक करा दिया जाए। उपराज्यपाल ने राजस्व और पर्यावरण विभागों को यमुना में प्रदूषण के संबंध में NGT के आदेशों को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया है। वहीं 21 अक्टूबर को दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि दिल्ली में रह रहे यूपी और बिहार के लाखों लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरे प्रस्ताव यमुना नदी के किनारे विभिन्न घाटों पर छठ पूजा करने को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 1100 घाटों पर भक्तों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सार्वजनिक तौर पर पूजा नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार धूमधाम से इसका आयोजन करेंगे। मंत्री ने कहा था कि दिल्ली सरकार घाटों के निर्माण, वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने और उसके आसपास साफ सफाई कराने जैसी जरूरतें मुहैया कराने पर हमेशा ध्यान रखती रही है, ताकि भक्तों के लिए यह अवसर सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि यह सब कहां हो रहा है इसकी कोई खबर किसी को नहीं है, लेकिन अब LG के बयान के बाद लोगों के संशय दूर हो गए हैं और केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।